क्या समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं का अखिलेश यादव से मोहभंग हो गया है? क्या आजम परिवार अब समाजवादी पार्टी को गुड बाय कहने वाला है? क्या समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता अब अपना पाला बदलने वाले हैं? आजम खान की मीडिया प्रभारी फसाहत खान शानू का जब से बयान आया है, तब से आजम खान को लेकर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। इन्हीं में से खबर ये भी चल रही है कि आजम खान अब अखिलेश यादव से अपने नाते तोड़ने वाले हैं। अगर आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़ते हैं, ये अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल झटका होगा। खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि आजम खान नई पार्टी बना सकते हैं। आजम खान लंबे समय से जेल में बंद है, इसे लेकर आजम के समर्थक अखिलेश से नाराज हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने संपूर्ण प्रयास नहीं किए, वरना आजम जेल में नहीं होते। एक बार सीएम योगी ने भी कहा था कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान बाहर आए। आजम खान के विधायक पुत्र अब्दुल्ला भी दबे जुबान से ये मानते हैं कि ठीक से कोशिश नहीं की गई। आजम खान के मीडिया प्रभारी शानू ने भी यही बात कही थी कि आजम के लिए अखिलेश कुछ नहीं कर रहे हैं। शिवपाल यादव की अखिलेश के साथ अनबन और सत्तारूढ़ बीजेपी में उनके संभावित बदलाव ने आजम खान के भी एसपी छोड़ने की खबरों को मजबूत किया है। आजम खान के समर्थन में सुल्तानपुर के मुस्लिम नेता ने इस्तीफा भी दे दिया है। इस्तीफा देने वाले नेता ने आरोप लगाया कि मुसलमानों की आवाज पार्टी के बड़े नेता नहीं उठा रहे हैं। इसमें अखिलेश यादव भी शामिल है। इस्तीफे में नाहिद हसन, शहजील इस्लाम और आजम खान को पीड़ित बताया गया है। 22 मार्च को आजम खान ने अपनी विधानसभा सीट बरकरार रखने के लिए रामपुर लोकसभा सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया था। ये उसी दिन किया गया था जिस दिन अखिलेश यादव ने भी अपनी करहल विधानसभा सीट बरकरार रखने के लिए एसपी के आजमगढ़ लोकसभा सदस्य का पद छोड़ दिया था। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने आजम खान से जुड़ी इन तमाम खबरों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि आजम खान और उनका परिवार समाजवादी पार्टी के साथ है, इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।